His Excellency, the Prime Minister of Fiji, Bainimaramaji, Sadhguru Madhusudan Sai, Sai Prem Foundation ke sabhi trustee, hospital ke staff, members, distinguished guests, और फिजी के मेरे प्यारे भाई और बहनों, नीसाम बुलाविना का नमस्कार। सुबह में श्री सत्य साई संजीवनी चिल्ड्रंस हार्ट हॉस्पिटल के इस शुभारंभ कार्यक्रम में जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इसके लिए हिज एक्सलेंसी प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिजी और फिजी की जनता का आभार प्रकट करता हूं। ये हमारे आपके पारंपरिक रिश्तों और प्रेम का एक और प्रतीक है। ये भारत और फिजी की साझा यात्रा का एक और अध्याय है। मुझे बताया गया है कि चिल्ड्रंस हार्ट हॉस्पिटल न केवल फिजी में बल्कि पूरे साउथ पैसिफिक रीजन में पहला चिल्ड्रंस हार्ट हॉस्पिटल है। एक ऐसे क्षेत्र के लिए जहां हृदय से जुड़ी बीमारियां बड़ी चुनौती हो, ये हॉस्पिटल हजारों बच्चों को नया जीवन देने का माध्यम बनेगा। मुझे संतोष है कि यहां हर बच्चे को न केवल वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट मिलेगा बल्कि सभी सर्जरीज फ्री ऑफ कॉस्ट भी होगी। मैं इसके लिए फिजी गवर्नमेंट को, साई प्रेम फाउंडेशन फिजी को और भारत के श्री सत्य साई संजीवनी चिल्ड्रंस हार्ट हॉस्पिटल की बहुत बहुत सराहना करता हूं। विशेष रूप से इस अवसर पर मैं ब्रह्मलीन श्री सत्य साई बाबा को नमन करता हूं। मानवता की सेवा के लिए उनके द्वारा रोपा गया बीज आज वटवृक्ष के रूप में लोगों की सेवा कर रहा है। मैंने भी पहले भी कहा है कि सत्य साईं बाबा ने अध्यात्म को कर्मकांड से मुक्त करके जन कल्याण से जोड़ने का एक अद्भुत काम किया था। शिक्षा के क्षेत्र में उनके कार्य, स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनके कार्य, गरीब पीड़ित वंचित के लिए उनके सेवा कार्य आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। दो दशक पहले जब गुजरात में भूकंप से तबाही मची थी, उस समय बाबा के अनुयायियों द्वारा जिस प्रकार पीड़ितों की सेवा की गई, वो गुजरात के लोग कभी भी भूल नहीं सकते हैं। मैं इसे अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूं कि मुझे सत्य साई बाबा का निरंतर आशीर्वाद मिलता रहा। अनेक दशकों के साथ उनके साथ जुड़ा रहा और आज भी इनकी कृपा बनी रहती है। साथियों, हमारे यहां कहा जाता है, परोपकाराय सताम विभूतयः, अर्थात परोपकार ही सज्जनों की संपत्ति होती है। मानव मात्र की सेवा, जीव मात्र का कल्याण, यही हमारे संसाधनों का एकमात्र उद्देश्य है। इन्हीं मूल्यों पर
भारत और फिजी की साझी विरासत खड़ी हुई है। इन्हीं आदर्शों पर चलते हुए कोरोना महामारी जैसे कठिन समय में भी भारत ने अपने कर्तव्यों का पालन किया है। वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हुए भारत ने दुनिया के 150 देशों की दवाएं भेजी, जरूरी सामान भेजा, अपने करोड़ों नागरिकों की चिंता के साथ साथ भारत ने दुनिया के अन्य देशों के लोगों की भी चिंता की। हमने करीब करीब 100 देशों को 100 मिलियन के आसपास वैक्सीन भेजी है। इस प्रयास में हमने फिजी को भी अपनी प्राथमिकता में रखा। मुझे खुशी है कि फिजी के लिए पूरे भारत की उस अपनत्व परी भावना को साई प्रेम फाउंडेशन यहां आगे बढ़ा रहा है। फ्रेंड्स, हमारे दोनों देशों के बीच विशाल समुद्र जरूर है, लेकिन हमारी संस्कृति ने हमें एक दूसरे से जोड़कर रखा है। हमारे रिश्ते, आपसी सम्मान, सहयोग और हमारे लोगों के मजबूत आपसी संबंधों पर टिके हैं। भारत का ये सौभाग्य है कि हमें फिजी के सामाजिक आर्थिक विकास में भूमिका निभाने, योगदान करने का अवसर मिलता रहा है। बीते दशकों में भारत फिजी के रिश्ते हर क्षेत्र में लगातार आगे बढ़े हैं, मजबूत हुए हैं। फिजी और हिज एक्सलेंसी प्राइम मिनिस्टर के सहयोग से हमारे ये रिश्ते आने वाले समय और भी मजबूत होंगे। संयोग से ये मेरे मित्र प्राइम मिनिस्टर बेनी मारामई जी का जन्मदिन का अवसर भी है। मैं उन्हें जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता हूं। मैं श्री सत्य साई संजीवनी चिल्ड्रंस हार्ट हॉस्पिटल से जुड़े सभी सदस्यों को भी एक बार फिर शुभकामनाएं देता हूं। मुझे विश्वास है ये हॉस्पिटल फिजी और इस पूरे क्षेत्र में सेवा का एक मजबूत अधिष्ठान बनेगा और भारत फिजी रिश्तों को नई ऊंचाई देगा। बहुत बहुत धन्यवाद।